अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों कैसे आप सब लोग। आज हमारा सोल्जर जनरल ड्यूटी मेल फीमेल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज जनरल साइंस। तो जो ये अग्निवीर की क्लासेस चलाई जा रही है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर्स चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन उठा के आपके सामने यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। तो जनरल साइंस का हमारा जो पोर्शन चल रहा है इसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है और इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में इन्हीं 40 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस का आपके एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको टारगेट कंप्लीट करना है। 10 आउट ऑफ 10 आपको लाने हैं। वो आप किस तरह से ला पाओगे, जब आप इन 40 क्वेश्चंस की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दोगे, इनको अच्छी तरह से समझोगे, इनको अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करोगे। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर से, आप सब लोगों को ये याद रखने हैं। एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है दैट इज गुड, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपको रट लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। वीडियो को एक दो बार देख ले ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट। तो आपको बताना कि इनमें से एक तो आपको बताना कि नेचुरल और लार्जेस्ट, नेचुरल सोर्स ऑफ हीट और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट कौन सा है, सन, मून, वुड या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट दैट मीन सन हमारा राइट आंसर होगा। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो आप जो है दोनों यहां पे क्लास अटेंड कर सकते हो और यहां पे अच्छी तरह से जो है प्रेपरेशन कर सकते हो अग्निवीर की। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की केमिकल फार्मूला आपसे पूछी गई है, Na2CO3H2O, Na या नन ऑफ दीज। तो यहां पे देखिए Na2CO3 हमारी केमिकल फार्मूला है किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, और H2O किसकी है, वाटर की, और Na किसकी है, सोडियम की, या भी नोट कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल एक्शन इन मिलिक इज। तो जो बैक्टीरिया का एक्शन वहां पे होता है कहां पे, मिलिक में, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो किस टाइप का होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, अल्कलाइन होता है, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट दैट मीन एसिडिक हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको बताना कि इनमें से जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, क्लोरीन, आयोडीन, मरकरी या ब्रोमीन। तो सी पार्ट दैट मीन मरकरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द प्रेशर ऑफ सी वाटर ग्रेटर। यहां पे देखिए जो समंदर में जो पानी होता है आपको बताना है कि कहां पे जो है प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, 10 मीटर एबो सरफेस, 10 मीटर बिलो सरफेस, 30 मीटर बिलो सरफेस या 10 मीटर बिलो सरफेस। तो 10 मीटर बिलो सरफेस हमारा राइट आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपको बताना है कि इनमें से जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन मदद करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहां पे आप देख सकते हो आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स भी आप कह सकते हो, डब्ल्यूबीसी जिसे आप व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, और साथ ही साथ यहां पे प्लाज्मा या नन ऑफ दीज। तो व्हाइट ब्लड सेल्स दैट मीन डब्ल्यूबीसी हेल्प करती है अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। तो यहां पे आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, क्या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा बी पार्ट होगा, दैट मीन जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी यहां पे कंप्रेस्ड डंग गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड पेट्रोल गैस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है ना, इनमें से आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है, मैरिकोनी, जोसेफ प्रिस्टली, रदरफोर्ड या नन ऑफ दीज। तो जोसेफ प्रिस्टली दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटीरियल साउंड ट्रेवलर्स फास्ट, तो आपको बताना है कि निम्न में से, देखिए ना यहां पे आप देख सकते हो कि साउंड जो है किसमें से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है ना, फास्ट ट्रेवल किसमें से करती है, वाटर में, वैक्यूम में, स्टील में या एयर में। यहां ऑप्शन के मुताबिक आपसे पूछा गया है, तो यहां पे स्टील, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डायलिसिस जो है किस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, हार्ट वीकनेस, किडनी फेलियर, ब्रेन डिजीज या नन ऑफ दीज। तो किडनी फेलियर के लिए जो है डायलिसिस किया जाता है, अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए और जो इसमें मुबतला है अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहां पे किडनी फेलियर के लिए जो है यूज किया जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमोसफियर, आपको बताना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा होता है, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे आपको आंसर करना है, ठीक है ना, क्या ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या निम्न में से कोई नहीं। तो यहां पे क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस इज मेड अप ऑफ, तो लेंस किसका बना हुआ होता है, क्या फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है, ऑर्डिनरी ग्लास, कार्बन ग्लास या नन ऑफ दीज। तो अगर हम लेंस की बात करें, इट्स मेड अप ऑफ फ्लिंट ग्लास, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट, चारकोल, कोल या डायमंड। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा हार्डेस्ट फॉर्म, दैट मीन डायमंड है, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो फिलहाल हमारी जो सीरीज चल रही है केवल और केवल जीएस पे चल रही है, दैट मीन जनरल साइंस पे चल रही है। इसके बाद जो जीके का पोर्शन है उसमें मिक्सड क्वेश्चन आते हैं, जो जीके का पोर्शन होता है उसमें मिक्सड क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन हिस्ट्री के रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड, डेट्स के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज के रिलेटेड। तो जब हम इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले सीरीज में, तो उसमें हम जनरल नॉलेज भी पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर्स। तो जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया, यहां पे ओल्ड पेपर के मुताबिक आपको पढ़ाया जा रहा है। मेरे पास ढेर सारे ओल्ड पेपर्स पड़े हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ओल्ड पेपर्स से, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपके लिए प्रॉमिस किया है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम 500 एमसीक्यू करेंगे। फिलहाल 500 एमसीक्यू, जब ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे, इसके बाद भी हम आगे करेंगे, आप टेंशन ना ले, आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टेंशन ना ले। इसके बाद यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टूथ स्टार्ट्स डिकिंग व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज, यहां पे लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन। आपको बताना कि जो दांत होते हैं, ठीक है ना, जो दांत होते हैं मुंह में, जो दांत होते हैं वो सड़ना कब स्टार्ट होते हैं, जब उनका पीएच लेवल जो है किससे कम होता है, लेस देन 6, लेस देन 10, लेस देन 5.5 या नन ऑफ दीज। देखिए, जो टूथ होते हैं, जो दांत होते हैं मुंह में, जब उनका पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो वो जो है दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, तो बॉटनी किसकी स्टडी है, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, बर्ड्स लाइफ, प्लांट्स लाइफ। तो बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल, आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी फ्यूल कौन सा है, चारकोल, पेट्रोलियम, कोल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्राइमरी फ्यूल की तो वो कोल है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स डिनोटेड बाय, तो आपको ये पता है जो हर्ट्ज है, ठीक है ना, ये जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। यहां पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लें, जो हर्ट्स है ये किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। लेकिन इसे किससे डिनोट किया जाता है, एच के, यहां पे देखिए एच के, एच जेड जेड, एच जेड या एच टी जेड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो इसे जो है एच जेड से डिनोट किया जाता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, देखिए सबसे पहले
ये आपको नोट डाउन कर लेना है, मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्यों है, वजह क्या है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, द एटम्स आर लाइटली पैक्ड या ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर मैं बात करूं मेटल की तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन विद एस्टिगमिज्म नॉट एबल टू सी, तो जो इस डिजीज से इफेक्टेड होगा एस्टिगमिज्म, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं देख सकता, क्या वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, क्लियर विजन मतलब अच्छी तरह से उसको दिखाई नहीं देगा, फार आइटम्स जो दूर की चीजें होंगी, या ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश देन इट इज एसिड रेन, तो आपको बताना है जो रेन वाटर होता है उससे एसिड रेन कब कहेंगे, जब उसका पीएच लेवल किससे कम होगा, 5 देन लेस देन 5, लेस देन 4, लेस देन 7 या लेस देन 3। तो यहां पे आपको नोट कर लेना है, जब वाटर का पीएच लेवल जो है किससे कम होगा, 5 से कम होगा, ठीक है ना, जब इसका वाटर लेवल पीएच लेवल जो है रेन वाटर का 5 से कम होगा, तो हम उस रेन वाटर को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ये एसिड रेन है, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए H2CO3 इज द केमिकल नेम ऑफ, तो H2CO3 दरअसल इस तरह से होना चाहिए H2CO3, ठीक है ना, इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो केमिकल नेम है किसका है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नन ऑफ दीज, तो H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड का केमिकल नेम है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन, तो इनमें से पहली काउंटिंग मशीन कौन सी है, कैलकुलेटर, एबेकस, टर्निंग मशीन या नन ऑफ दीज, तो सबको पता है इजी सा क्वेश्चन है, एबेकस, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, इनमें से ब्लड सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, मोनोसाइट्स, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स या नन ऑफ दीज, तो यहां पे हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लड सर्कुलेशन में जो है WBC, दैट मीन वाइट ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं, WBC लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है ना, ये आप मैनेज कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो साउंड की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम किसमें होती है, ज्यादा किसमें होती है, मैटर, गैस, सॉलिड या नन ऑफ दीज, तो यहां पे सी पार्ट, दैट मीन सॉलिड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाय वायरस, तो आपको बताना कि इनमें से जो वो कौन सा रोग है, निम्न में से वो कौन सा रोग है, ठीक है ना, जो किससे स्प्रेड होता है, वायरस से स्प्रेड होता है, टाइफाइड, एड्स, प्लेग या ऑल ऑफ दीज, तो दैट मीन ए पार्ट एड्स हमारा राइट आंसर है, और जिस वायरस से ये स्प्रेड होता है उसे कहते हैं HIV, ठीक है ना, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड, आपको बताने कि इनमें से किसे रिसाइकल किया जा सकता है, कोल, मेटल, नेचुरल गैस या नन ऑफ दीज, तो अगर मैं बात करूं रिसाइकल की तो इनमें से जो है मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो आपको बताना कि इनमें से वायरस जो है, वायरस से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड या नन ऑफ दीज, तो सी पार्ट कॉमन कोल्ड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन हुमेन, तो हुमेन में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, 40, 46, 44, 46 या 48, तो यहां पे 46 हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ, तो ये जो डिजीज है इसका संबंध किसके साथ है, लंग, किडनी, ज्वाइंट्स या लिवर, तो ये जोड़ों का रोग है, ठीक है ना, जोड़ों का रोग है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी फ्रॉम सनलाइट,
तो इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो कि सूरज से मिलता है, ठीक है ना? वी ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या नन ऑफ दीज। तो देखिए सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर, हार्ट, ब्रेन या नन ऑफ दीज? तो यहां पे लिवर, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है, 100, -100, 40 या 30। तो यहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए डैश इज कॉल्ड कुकिंग गैस, तो इनमें से कुकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, ऑक्सीजन, एलपीजी, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज? तो यहां पे एलपीजी बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है इनमें से, प्लास्टिड, स्ट्रोमा, सिलुलोज या नन ऑफ दीज? तो यहां पे सिलुलोज, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, दैट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेड वॉल्यूम इन अ लेड पेंसिल, तो आपको बताना है कि लेड पेंसिल में जो है लेड की कितनी मात्रा है। तो जिसको पता नहीं होगा वो कहेगा कि यहां पे लेड पेंसिल है तो इसमें जो है ये लेड का ही बना होगा, दैट मीन 100% होगा। तो अगर मैं बात करूं लेड पेंसिल की तो इसमें जो लेड की मात्रा है बिल्कुल जीरो है। तो आपके लिए क्वेश्चन आपको मुझे बताना है ये फिर किससे बना हुआ है, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिक्सचर ऑफ एलपीजी गैसेस इज फाउंड इन एलपीजी, तो एलपीजी गैस में जो मिक्सचर पाया जाता है वो किस किस का मिक्सचर पाया जाता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड ब्यूटेन, इथेन एंड ब्यूटेन या नन ऑफ दीज? तो यहां पे प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, तो ब्लड का कलर जो है रेड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, हेपेटोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या नन ऑफ दीज? तो इसका कलर जो रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, तो आपको बताना है कि इन में से वो कौन सी लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है ना? आंसर जरूर करना। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद एक टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपको 10 में से 10 सही करने हैं, देखते हैं कि कितने लोग टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो सी पार्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे टेस्ट की तरफ, जिसमें आपको टारगेट कंप्लीट करना है, 10 में से 10 आने चाहिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन, तो पहली काउंटिंग मशीन कौन सी है, एबेकस, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, मोनोसाइट्स, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स या नन ऑफ दीज? तो व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोसफियर, आपको बताना है जो, चलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए कमेंट है तो यहां पे दोबारा से आया है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किसका बना हुआ होता है, फ्लिंट ग्लास का, बिल्कुल सही है, ए पार्ट यहां पे सही है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है जल्दी से बताइए, यहां पे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो यहां पे सी पार्ट सेलुलोज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इनमें से कौन सा हमें हेल्प करता है, तो यहां पे ऑप्शन है RBC, WBC, प्लाज्मा, नन ऑफ दीज, बिल्कुल बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल बढ़िया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फ्यूल, इनमें से प्राइमरी फ्यूल कौन सा है,
चारकोल, पेट्रोलियम, कोल या नन ऑफ दिस? तो यहां पे कोल, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स डिनोटेड बाय, तो हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, तो इसे किससे डिनोट किया जाता है? बिल्कुल यहां पे एच जेड से इसे डिनोट किया जाता है। अर्थराइटिस जो है डिजीज किसकी है? ज्वाइंट्स की डिजीज है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहां पे आपके लिए डेयर क्लास आने वाले हैं अग्निवीर के लिए, इसके अलावा भी यहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे अदर एग्जाम्स के लिए भी। लेकिन यहां पे जितने भी मेरे नए अग्निवीर साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका फर्ज बनता है कि चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि ये जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूं, खुद अपने हाथों से टाइप कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, यहां पे खुद से मुझे टाइप करने पड़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके, वो भी जो है यहाँ पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, और जेकेपी स्मार्ट को जो है यहाँ पे आपकी तरफ से भी सपोर्ट मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि इससे पहले हमने जो वीडियो डिस्कस किया है, जो हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अगर आपने वो अभी तक वो नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इसे मिस ना करें। सबसे पहले इस पर क्लिक करके ये 50 क्वेश्चन देखिए कि इनमें से आपके कितने सही होंगे। एक भी प्रैक्टिस सेट आपको नहीं छोड़ना है। आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार वीडियो जरूर देखें।